माय यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, जो कि 8 मई 2019 को हुआ है आज ही। अब हम इसके मैथ्स का सॉल्यूशन देखते हैं। मैथ्स में जो क्वेश्चन आए हैं, 5000 में से कुछ राशि 10% प्रतिवर्ष, बाकी राशि 20% प्रतिवर्ष पर उधार दी गई। अगले 2 सालों में इन दोनों राशियों पर जो साधारण ब्याज मिला हुआ 1700 रुपये था, वह कितनी राशि थी जो 10% उधार पर दी गई। देखो दोस्तों, आपके पास 1700 रुपये हमारे पास 2 साल का ब्याज था, 1700 रुपये 2 साल, 1 साल का ब्याज कितना होगा 850, और हमें टोटल राशि हमारी 5000, यानी कि हमारा ऑन एन एवरेज परसेंटेज कितना बनेगा 850 डिवाइड बाई 5000 गुणा में 100, 20 से 20, 10 से 10, 5 से काटेंगे 17, यानी कि हमारा 17 जो है एवरेज हो गया। अब एक तो राशि हमारे पास 10% है एक भाग, और दूसरा भाग हमारे पास 20% है, और उन्होंने एवरेज किया 17, या जैसा कि हमने मिक्सचर में एलिगेशन में पढ़ते हैं, हम एक पार्ट को इधर लिखते हैं एक पार्ट को, और जो एवरेज होती है हमारा उसमें बीच में लिखते हैं, तो इसमें से इसको माइनस किया 3 आया, और इसमें से इसको माइनस किया आया 7, और ये टोटल जो हुआ है ये हमारी टोटल 10 बना जो यही जो है हमारी टोटल राशि के इक्वल होगा, यानी कि 5000 के एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 500 रुपये। तो हमने निकालना है 10% का, 10% प्रतिवर्ष पर उधार दी गई उसका निकालना, तो यानी कि इसके नीचे क्या 3 है, यानी कि 3 की वैल्यू निकलेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिता और माता की आयु का अनुपात 9:8 था, जब उनके पुत्र का जन्म हुआ उन्हें पिता और माता की आयु का अनुपात 17:16 लगा होगा, जब उनके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की दोगुनी होगी पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ट्रिक लगानी आपने, ये अगर 9:8 था पहले, 9:8 था और ये 17:16 हो गया, यानी कि दोनों में अगर 8-8 जोड़ेंगे तो 17:16 हो रहा है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, यानी कि अब जो पहले की उम्र में उसका लड़का डबल हो रहा है, यानी कि अगर हम ऑप्शन की बात करें, अगर ये ऑप्शन सेकंड है 13:12, यानी कि इसमें देखो ये 4 बढ़ रहा है, इसमें भी यहाँ 4 बढ़ रहा है, इसमें भी 4, और यहाँ पर भी क्या है 4, और ये जब जो है प्रेजेंट एज में इनकी प्रेजेंट एज यही आएगी 13:12, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 13:12। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक ट्रेन प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफार्म की लंबाई 240 मीटर है, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है आपने, ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं एक्स, और प्लेटफार्म की लंबाई मान लेते हैं 240, ये दिया हुआ जो 240, यानी कि टोटल हमारा डिस्टेंस कितना हो गया एक्स प्लस 240, और क्या दिया हुआ है टाइमिंग दिया हुआ है 25, लेकिन इक्वल टू रखने में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो है हम इसका आंसर क्या कर सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि इसको हम निकाल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो ये पढ़ो ध्यान से, इसमें एक ट्रिक लगेगी, राम की 5 अलग अलग परीक्षाओं का औसत 46.5 है, बाद में यह ज्ञात हुआ कि उसके 2 स्कोर 38 की जगह 40 और 36 की जगह 32 लिखे गए, उसका सही औसत क्या होगा। देखो दोस्तों, इसमें जो ट्रिक है वो अपनी क्या बनेगी कि आपने करना है जो आपकी एवरेज दी हुई है वो लिखनी है, प्लस में ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट डिवाइड बाई जितने भी वो नंबर हैं डिवाइड बाई क्या आएगा 5, तो 46.5 प्लस में यानी कि 38 की जगह 40, यानी कि 38 आना चाहिए था ओरिजिनल ये था आपका, और 36 की जगह 32, यानी कि 36 आना चाहिए था, 38 प्लस 36 माइनस में क्या हुआ 40 प्लस 32, यानी कि 74 माइनस में ये इनका जोड़ करेंगे डिवाइड बाई 5, 46.5 प्लस में 2/5 यानी कि 0.4, यानी कि तो हमारा आंसर कितना बन गया, इसको ऐड करेंगे तो 40.9। इस ट्रिक को दोस्तों ज़रूर जो है याद कर लें, काफ़ी एग्जाम्स में ये आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमने यहाँ पे लिख लिया है, अच्छे से शो नहीं हो रहा था, तो √4 की पावर 3, √16 4 डिवाइड बाई 8 की पावर 2 और 2 की पावर x। तो अब हम इसको अगर सोल्व करेंगे अंदर वाले को, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 4 की पावर 1/2 और इंटू में इसको हम क्या लिख सकते हैं पूरे को 4, इसको हमने लिख दिया 4 और ये 4 ऊपर के ऊपर, और ये देखो दोस्तों 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 2 यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 64 लिख सकते हैं, और 64 क्या होता है दोस्तों 4 की पावर 3, यानी कि डिवाइड में तो हमने डिवाइड में क्या कर दिया 4 की पावर 3। अब देखो दोस्तों, इसके हम गुणा करेंगे 4 1/2 गुणा में 3, यानी कि 4 की पावर 3/2, और 4 की पावर जो डिवाइड में होता है तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है,
चार बटे तीन की पावर दो इंटू में चार की पावर वन इक्वल टू चार, ये जब गुणा में होता तब हम इसको ऐड कर देते हैं, चार की पावर तीन बटा दो प्लस में वन यानी कि दो एलसीएम, पाँच बटा दो यानी कि चार की पावर पाँच बटा दो, इसको हम क्या ले सकते हैं चार को दो की पावर दो और ये पाँच बटा दो यानी कि इस दो से दो कैंसिल हो गया, दो की पावर पाँच यानी कि हमारे पास हमने निकालना था दो की पावर एक्स यहाँ पे, यानी कि अगर दो की पावर एक्स इसको कंपेरिजन करेंगे तो एक्स का हमारा एक्स की वैल्यू क्या आएगी पाँच, यानी कि पाँच हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27, इसमें देखो ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बी 20% ज़्यादा कुशल है ए से, अगर सी किसी उसी कार्य को बी बी से 6 दिन ज़्यादा दिनों में करता है तो बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब देखो दोस्तों सबसे पहले एक इसमें भी एक ट्रिक है आपकी, सी वन इंटू टी वन इक्वल टू सी टू इंटू टी टू, सी सी यहाँ पे है कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी कि अगर हम कहते हैं इसको अक्षमता, कार्य करने की अक्षमता, यानी कि बी 20% ज़्यादा कुशल है। अगर ए की वैल्यू 100 रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या होगा 120, अगर जीरो से जीरो काटेंगे, दो से काटेंगे पाँच, दो से काटेंगे छः, यानी कि ये क्या आ गई हमारी कैपेसिटी आ गई, अक्षमता आ गई इनकी। तो अब देखो हम लगाते हैं यहाँ पे ए कार्य को 12 दिन में करता है, ए 12 दिन में करता है, पाँच गुणा में 12 करेंगे इक्वल टू 6 गुणा में बी, सी वन यानी कि सी वन की वैल्यू ये है तो टी वन, टी वन यानी कि इसी का टाइम लेंगे, जिसकी कैपेसिटी लेंगे उसी का टाइम लेना है, यानी कि ए की कैपेसिटी ए का टाइम इक्वल टू बी की कैपेसिटी बी का टाइम, यानी बी का टाइम निकल जाएगा हमारा 6 से 2 5 दूनी 10 यानी कि 10 दिन हो गया। देन सी कह रहा है कि 6 सी उसी कार्य को 6 दिन 6 ज़्यादा दिनों में करता है यानी कि 10 और 6 16 दिनों में करेगा। अब बी जो है 10 दिन में करता है, सी 16 दिन में, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे ये हमने निकालना है। दोस्तों अगर टोटल कार्य निकालना होगा तो हमें इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, 10 और 16 का लघुत्तम कितना आएगा 80 आएगा, यानी कि 80 ये हमारा क्या आ गया टोटल वर्क। ये 10 दिन में 80 काम करता है तो यानी कि एक दिन में कितना करेगा 8 और ये एक दिन में कितना करेगा 5, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे दोस्तों 13, तो काम कितना करना है 80 यानी कि डिवाइड बाई 13 करेंगे तो 6 से 2 बटा 13। और दोस्तों टाइम एंड वर्क पे हमने काफ़ी एक वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, एक त्रिभुज के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े कोण का अनुपात 3:2 है, सबसे छोटा कोण, सबसे बड़ा कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग 20% है, सबसे छोटा और सबसे। देखो दोस्तों एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और उनका सभी का जोड़ होता है 180, अगर तीनों कोणों का जोड़ करेंगे तो हम उनका जोड़ होता है 180। इसमें दिया हुआ सबसे बड़े और सबसे दूसरे सबसे बड़े यानी कि एक तो तीन मान लिया, एक को हमने दो मान लिया और इनका अनुपात दिया हुआ है। कह रहा कि सबसे छोटा कोण, सबसे सबसे बड़ा कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग 20% है, यानी कि अगर सबसे छोटा कोण क्या होगा इन दोनों का जोड़ इनटू में क्या होगा 20%, यानी कि इन दोनों के योग का 20% है, 20 5 5 से 5 काटेंगे यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 1। अब देखो तीन हो गई, ये दो हो गया, ये एक हो गया, तीन और दो पाँच और एक छः यानी कि छः की वैल्यू हमारे पास क्या है 180 डिग्री, एक की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों 30, यानी कि एक की वैल्यू 30 आ गई। निकालना क्या हमने सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े कोण, सबसे छोटा कोण हमारा एक हुआ, दूसरा सबसे बड़ा कोण दो हुआ, यानी कि हमने वैल्यू निकालनी है तीन की, तीन की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 90 डिग्री। दोस्तों इतना ही है इसमें मैथ्स का पोर्शन, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।